नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। जिन मुकद्दर वाले पत्रकारों को पीएम मोदी का इंटरव्यू करने को मिलता है, वो चाहे तो नेशनल हीरो बन सकते हैं। बस कुछ साधारण सवाल करने होंगे। बस ये सवाल करना होगा पीएम मोदी से कि आप लोकसभा चुनाव में धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप धर्म के नाम पर लोगों को डरा क्यों रहे हैं कि आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपका मकान छीन लिया जाएगा, आपके कमरे छीन लिए जाएंगे, आपकी कार छीन ली जाएंगी? मोदी जी, आप चुनाव में ऐसा सफेद झूठ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर क्यों बोल रहे हैं? बस ये चंद सवाल करने हैं देश के प्रधानमंत्री से। लेकिन क्या किया जा रहा है? चुनावी रैलियों में पीएम मोदी जो झूठ बोल रहे हैं, टीवी चैनल वाले उसे सत्यापित करने का काम कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पीएम मोदी को इस दावे के साथ, इस झूठ को और फैलाने का कि मैंने जो बोला वो सोच समझकर बोला और सच बोला है। क्योंकि सामने बैठे एंकर कोई काउंटर सवाल नहीं करते, ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। न्यूज 18 के साथ पीएम मोदी का इंटरव्यू एक मजाक नजर आता है और सामने बैठे तीनों पत्रकारों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह के सवाल करते हो। आप एक झूठ को लेकर इतना नहीं बोल पाते कि मोदी जी आप अपने भाषणों में यह झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस तरह का सवाल किया न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने, किस तरह का सवाल किया सुनिए। पीएम मोदी के उस दावे को लेकर सवाल किया गया जिसमें संपत्ति के बारे में वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति जब्त कर लेगी, सोना चांदी जब्त कर लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। सवाल जरूर किया, लेकिन आप भाषा देखिए राहुल जोशी की, क्या सवाल किया है आपने? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर डायरेक्ट अटैक किया। इसमें आपने कहा कि ये पता लगाना चाहते हैं कि किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितनी चांदी है और उसको मुसलमानों में, घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये चेतावनी वाकई इतनी रियल है? आपको क्या दिखता है? मतलब कमाल का सवाल है। एक एंकर को बोलना चाहिए कि मेरे सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पड़ा है, इसमें कहीं मुसलमान शब्द नहीं लिखा है, इसमें कहीं संपत्ति छीनने, सोना छीनने, चांदी छीनने का प्रावधान नहीं है, तो मोदी जी आपने ऐसा क्यों बोला? लेकिन एंकर क्या पूछता है, क्या ये चेतावनी वाकई इतनी रियल है? मतलब किस तरह का सवाल है? देश की मान्यता प्राप्त न्यूज चैनल में काम करते हैं, ग्रुप एडिटर हैं आप, और क्या सवाल है कि चेतावनी वाकई इतनी रियल है? मतलब एंकर मानता है कि चेतावनी है और फिर पूछता है कि क्या यह वाकई इतनी रियल है। और उसके बाद पीएम मोदी से पूछा जाता है कि आपको क्या दिखता है, तो पीएम मोदी को जो दिखता है वो तो भाषणों में वो बता ही रहे हैं अपनी राजनीति के हिसाब से। फिर मोदी जी क्या जवाब देते हैं, मतलब मीडिया को ही सुना देते हैं। क्या कहते हैं पीएम मोदी, इतनी चापलूसी करने के बावजूद मीडिया को क्या सुनाते हैं पीएम मोदी, जरा देखिए। मोदी जी कहते हैं, क्या चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो कोई शोपीस के लिए होते हैं? सचमुच में तो ये मीडिया का काम है कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया ये करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था कि मुझे मैनिफेस्टो देखकर लगता है कि इसमें पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, विश्लेषण करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं उनकी व्यस्तता कुछ और है। मीडिया वाले उनकी तरफ से मैनिफेस्टो में जो परोसा गया उसको ही गुड़ी गुड़ी करके उछालते रहे। फिर मुझे लगा कि ये तो इकोसिस्टम की मिलीभगत लगता है, अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने 10 दिन तक इंतजार किया कि इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई उजागर करे, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा होता है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाई लेकर आना पड़ा। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी तो मजबूरी हो गई जो मुझे ऐसे भाषण देने पड़े, क्योंकि मीडिया ने अच्छे से काम नहीं किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ठीक से फैक्ट चेक नहीं किया। तो मोदी जी, कुछ पत्रकारों ने किया था, आपकी फेवरेट एंकर श्वेता सिंह और फेवरेट एंकर सुधीर चौधरी ने भी फैक्ट चेक किया था और कहा था कि इस मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना कार छीनने का प्रावधान है, ना संपत्ति छीनने का प्रावधान है, ना मकान छीनने का प्रावधान है, ना कमरे छीनने का प्रावधान है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि मीडिया ने फैक्ट चेक नहीं किया, यानी पीएम मोदी चाहते थे कि मीडिया उनके मुताबिक फैक्ट चेक करे। इसीलिए कहते हैं कि 10 दिन मैंने इंतजार किया, उसके बाद मुझे सच्चाई सामने लानी पड़ी। तो पीएम मोदी को यह भी बताना चाहिए कि कौन से पन्ने पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, मुसलमानों को दे दी जाएगी। इस तरह के दावे प्रधानमंत्री इंटरव्यू में कर जाते हैं और सामने बैठे मीडिया एंकर खामोश रहते हैं। मतलब कमाल की पत्रकारिता है, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। कायदे से वहां बैठे तीनों एंकरों को, राहुल जोशी को बताना चाहिए था कि मोदी जी ये मैनिफेस्टो हमारे सामने रखा है, आपने जो बोला वो तो झूठ दिखाई देता है, इसमें कहां लिखा है? ऐसा कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। और मीडिया को थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री उनकी कितनी इज्जत करते हैं।
कोई काउंटर सवाल नहीं करते, उसके बावजूद आपको कांग्रेस का इकोसिस्टम बता दिया। कहा कि ये मिलीभगत का मामला है कि मैंने जो सच्चाई रखी, हालांकि झूठ उन्होंने सामने रखा, उसको सच्चाई बता रहे हैं और कहते हैं कि यह काम तो मीडिया का था, और मीडिया एंकर चुपचाप हां में हां मिलाते रहते हैं। यही वजह है कि शायद हमारी मीडिया की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, और चुनाव में प्रधानमंत्री को झूठ को सच साबित करने का प्लेटफॉर्म दिया जाता है, कोई काउंटर सवाल नहीं किए जाते। आप इस तरह मीडिया और पीएम मोदी के गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।